मामला कोतवाली बुढ़ाना की सफीपुर पट्टी लोहासाना रोड का है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। कासगंज कोतवाली पुलिस ने ढोलना क्षेत्र के भंडारी नगला गांव में एक खेत में कच्ची शराब बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। मौके से 30 लीटर यूरिया मिली हुई जहरीली शराब के साथ मौके से शराब बनाने के उपकरण भी बरामद कर लिए गए हैं। महोबा के थाना खरना कस्बा में 7 दिन पूर्व किशोरी को अगवा कर 4 युवकों द्वारा सामूहिक दुराचार करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने लड़की के पिता की तहरीर पर सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में गैंगरेप की शिकार नाबालिग पीड़िता की पिटाई का मामला सामने आया है। पिटाई का आरोप मेडिकल कराने ले जा रही महिला पुलिस सीमा सिंह पर लगा है। पीड़िता का आरोप है कि महिला पुलिस ने बयान बदलने के लिए उसकी पिटाई की। मसूरी के होटल शिवा कॉन्टिनेंटल में एक बुजुर्ग पर्यटक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बुजुर्ग महिला मुंबई की रहने वाली है और दोस्तों के साथ मसूरी घूमने आई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। काशीपुर में एक विवाहिता के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोप झोलाछाप डॉक्टर जमील अहमद पर लगा है। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर जमील अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुल्तानपुर में तेज गर्मी के चलते लोग फलों के जूस का सहारा ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह जूस की बिक्री की जा रही है इससे बीमारियों को बुलावा दिया जा रहा है। जूस की दुकान पर मक्खियां, रस के ठेलों पर गंदगी और फलों को कैसे काट के बेचा जा रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। टेनिस विमेंस डबल्स रैंकिंग में टॉप पर पहुंची सानिया के क्रिकेटर पति शोएब मलिक ने ट्विटर पर खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो उनके सबसे बड़े फैन हैं। सोशल मीडिया पर हुए सवाल जवाब सेशन में शोएब मलिक ने हिंट दिया है कि उनके घर जल्द ही किलकारियां गूंज सकती हैं। फिल्म पीके अब जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के 50 सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। फिल्म अब तक अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका जैसे देशों में रिलीज हो चुकी है। स्टैंड अप कॉमेडियन सुनील ग्रोवर, जो अपने किरदार गुत्थी के जरिए छोटे पर्दे पर एक अलग जगह बना चुके हैं, जल्द ही फिल्म गब्बर इज बैक में नजर आएंगे। सुनील को उम्मीद है कि इस फिल्म से उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल जाएंगे। फिल्म गब्बर इज बैक में मुख्य किरदारों में अक्षय कुमार और श्रुति हसन हैं। दिल धड़कने 2 के ट्रेलर की स्क्रीनिंग के मौके पर फिल्म के एक्टर एक साथ नजर आए। इस फिल्म का ट्रेलर बुधवार को जारी किया गया। जोया अख्तर द्वारा निर्देशित ये फिल्म भूमध्य सागर में एक जहाज पर फिल्माई गई है और फिल्म एक पंजाबी परिवार से जुड़ी हुई है। क्या गिरफ्तारी से बंद हो जाएंगे मसरत के भारत विरोधी बोल? क्या काट देनी चाहिए मसरत की जुबान, क्या चढ़ा देना चाहिए उसे? नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा विशेष वंदे मातरम। वंदे मातरम में आज हम चर्चा करेंगे वो मसरत की, जिसके बयान के बाद से पूरे देश में तहलका मचा हुआ। और इस कार्यक्रम में हम मसरत के साथ गिलानी की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इस मसरत की तो गिरफ्तारी हो गई लेकिन गिलानी को अभी भी नजरबंद करके रखा गया है। और हमारे साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सहयोगी रचना मिश्रा भी हमारे साथ में रहेंगी। रचना नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। शुक्रिया मुकेश, और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे हम वतन के दुश्मनों की। जी हां, आपको बता दें कि हमारे साथ विनोद बंसल जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे चर्चा के लिए। और साथ ही अनीस दुरानी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे चर्चा के लिए। और साथ ही आपको बता दें कि मौलाना यासूब अब्बास लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे इस पूरे मसले पर। तो रचना, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले सुनाते हैं उस तेजाबी बयान को, जिस बयान के बाद से ये पूरा बवेला उठ खड़ा हुआ है। हम इस मौके पे मम्लिकत खुदादादी पाकिस्तान की सलामती के लिए भी दुआ करेंगे और उनके वहां के हुक्मरानों पे भी ये जोर देकर ये गुजारिश पेश करेंगे कि वो रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से जो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का मौकफ है, जो उनका रिवायती मौकफ है,
कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, उस पर कायम और दायम रहे। ये मसरत के बयान थे जो कि काफी पहले करीब 2007 के आसपास दिए गए थे। हम आपको वो बयान भी दिखाएंगे आपको जिसमें उन्होंने पाकिस्तान मेरी जान के नारे लगाए थे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन है ये मसरत आलम। ये है हुर्रियत नेता मसरत आलम जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कौन है मसरत आलम, हुर्रियत का नेता जिसने बचपन में ही थामी बंदूक, आतंकी की बहन से की शादी, इस पर 47 मामले दर्ज हैं। कश्मीर में हुए पथराव का मुख्य आरोपी है जिसमें कई लोगों की जान गई थी। कश्मीर में बाढ़ के दौरान चलाए जा रहे राहत कार्य के दौरान कहा कि कश्मीर को भारत की सहायता की जरूरत नहीं है। काफी समय से जेल में था बंद। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती सरकार बनने के बाद जेल से हुई थी रिहाई। 15 अप्रैल को एक रैली में पाकिस्तान का झंडा लहराया था। फिर भारी विरोध के बाद 17 अप्रैल 2015 को फिर हुई मसरत की गिरफ्तारी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या मसरत कश्मीर को पाकिस्तान बनाना चाहता है। तो मसरत आलम जिसने अपने बयान से न सिर्फ पूरे देश में तहलका मचाया हुआ है बल्कि एक भारत विरोधी अभियान जो उन्होंने चला रखा है उसके पीछे उनके समर्थक भी है। केवल मसरत आलम केवल अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस तरीके का कार्यक्रम कश्मीर के भीतर में चला रहा है, बल्कि उनके साथ गिलानी भी है और काफी बड़ी तादाद में 3-4 लोग और हैं जिनकी गिरफ्तारी इनके साथ हुई। लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी के बाद ये मांग भी उठने लगी है कि आखिर गिलानी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अपने हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हुए उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनीस दुरानी साहब जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुरानी साहब, क्या आपको लगता है जिस तरीके से मसरत ने भारत विरोधी बयान दिए हैं और ना सिर्फ इस बार भी है बल्कि लगातार उनका काम ही है और लगातार हर एक बीच में 2-3 महीने के अंतराल पे जो है वो इस तरीके का बयान देते रहते हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं, आपको क्या लगता है उनके बयान के बाद से जिस तरीके से सरकार उनको पहले नजरबंद किया, उसे फिर उसे गिरफ्तार किया, लेकिन गिलानी पे कहीं हाथ डालने से बच रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब ये तो मौजूदा गवर्नमेंट बताया कि गिलानी पे हाथ डालने से क्यों डर रही है या डरना तो मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं कि एक बहुत बूढ़े आदमी है वो और शायद नजरबंद करने से गवर्नमेंट समझती हो कि फिलहाल उनको रोक सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम जो कुछ कांग्रेस ने किया था उसको इन्होंने सारा मट्टी में मिला दिया। ऐसे ही नारेबाजी की वजह से कांग्रेस ने 2007 से इस व्यक्ति को बंद कर रखा था और कांग्रेस का पूरा विश्वास है कि जो कोई भी देश के खिलाफ बोले, देश के अंदर भड़काऊ बातें करे उसको अंदर कर देना चाहिए। और उसको अफसोस की बात यह है कि उसको उन लोगों ने रिहा किया जो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त कहते हैं, जो कहते हैं कि हमारी छाती 56 इंच की है, जो ये कहते हैं कि हम तो जो कांग्रेस के हुकूमत तो बिरयानी खिलाती थी सर काटने वालों को। आज आलम यह है कि ये खुद बुला बुला के दावते कर रहे हैं, अपने शपथ ग्रहण में उनको बुलाते हैं, अपने फॉरेन सेक्रेटरी को उनके पास बात करने के लिए भेजते हैं। पाकिस्तान के मौकफ में उसकी विचारधारा में कोई फर्क नहीं आया आज तक। बिल्कुल दुरानी साहब, यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि जिस कार्यक्रम में इन्होंने इस तरीके का बयान दिया, जिस तरीके से लोग वहां पे जमा हुए थे, और केवल इसकी बात नहीं की जाए, केवल गिलानी की केवल बात नहीं की जाए, इसके अलावा जितने भी लोग उस कार्यक्रम में मौजूद थे सभी भारत विरोधी नारे लगा रहे थे और सभी पाकिस्तान समर्थक नारे लगा रहे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद की लगातार नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन इस कार्यक्रम की इजाजत सरकार ने दी थी, वहां के स्थानीय जो प्रशासन है जम्मू कश्मीर के, उसने प्रशासन ने दिया था, क्या प्रशासन को
इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित करने की इजाजत जो उन्होंने दी थी, क्या आपको लगता है कि वहीं से भूल सुधार करनी चाहिए थी? क्योंकि उनको साफ तौर पर पता था कि जिस तरीके से ये जेल से रिहा हुए थे और जिस आरोप में ये जेल में बंद थे, इस लगातार इस तरह की घटना को अंजाम देते रहे हैं और इसी तरह की उनकी पहचान भी है, तो प्रशासन को थोड़ी सी ये करना चाहिए था, इनको इजाजत इतनी जल्दी उस कार्यक्रम को नहीं देना चाहिए था। देखिए, इस बात तो यह है कि और जो भी लोग इसमें शामिल हुए हैं, मैं तो समझता हूँ सबके खिलाफ देश के कानून के तहत मुकदमे कायम होने चाहिए, इसलिए कि जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उसकी तो अपनी शहरियत मशकूक हो जाती है। दूसरी बात यह है कि बड़े अफसोस की बात यह है कि वो लोग जो हर चीज में कीड़े निकाला करते थे पिछली गवर्नमेंट के, अब ये देखिए कि ये परमिशन जो उनको दी गई, ये इस वक्त होम मिनिस्टर भी इनके ही है, इसके अलावा जो सरकार भी कोलिशन में बीजेपी की ही चल रही है, तो ये इनको खुद सोचना चाहिए था कि ये लोग हैबिचुअल ऑफेंडर जिसे कहते हैं जी, ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और ये निकलकर ऐसा करेंगे तो उसको पहले से रोकना चाहिए था। पूरी तरह विफल रही है गवर्नमेंट वहां की जी, जाहिर सी बात है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि आप भी इस कार्यक्रम में सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने मेल भी आप हमें भेज सकते हैं और साथ ही फोन लाइन खुल चुकी हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं और अपने जो राय है अपनी वो भी हमसे साझा कर सकते हैं, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस बयान को लेकर वो भी हमसे बातचीत कर सकते हैं। व्हाट्सएप के नंबर भी हमारे दिए गए हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए जो आप राय भेजेंगे उस राय को हम कोशिश करें कि इस कार्यक्रम में सीधे शामिल करें और आपकी राय आप आम जनता तक भी पहुंचाएं। जी, जाहिर सी बात है, और इस वक्त मैं लखनऊ जाना चाहूंगी जहां पर मौजूद हैं मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना यासूब अब्बास जी। अब्बास जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से मसरत आलम को इजाजत दी गई, जिस तरीके से उसने पाकिस्तान मेरी जान के नारे लगाए, भारत में रहकर भारत विरोधी बयान दिए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इनके ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए रत्ना जी, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना बिल्कुल गलत है और ये देशद्रोह की बात है, इसलिए कि आप हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, सांस मुल्क के अंदर ले रहे हैं और आप परचम पाकिस्तान का लहरा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे पाकिस्तान के लहरा लगा रहे हैं, तो ये कौन सी ऐसी बात है? हमारे मुल्क का कानून क्या इतना लेकर हो गया है, इतना ढीला हो गया कि जिसका जो दिल चाहे वो जिसका चाहे परचम फहरा दे, जिसका चाहे जिंदाबाद के नारे लगा दे, ये कैसी बात है? इसके लिए सख्त से सख्त कानून बना हुआ है हमारे मुल्क के अंदर, मगर अफसोस की बात है उस कानून के ऊपर अमल नहीं हो रहा है। जहां तक मैं समझता हूं कि जितने भी देशद्रोही हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, जिनको सजा सवार के जेलों के अंदर रखा गया है, इससे कितने हिंदुस्तानियों की जानों को खतरा है जो अपनी जानों को हथेली के ऊपर लिए हुए घूम रहे हैं। अगर तो उनके ऊपर जुर्म साबित हो जाए तो उनको सख्त से सख्त सजा देना चाहिए, जिसको उम्र कैद की सजा है उम्र कैद की सजा देना चाहिए, जिसको फांसी की सजा है फौरन फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिए। इसलिए हमारे लिए मुल्क पहले है, सवाल यह अगर से हमारा मुल्क ही नहीं रहेगा तो कैसी सियासत? सवाल यह है कि आज सियासी नेता जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं कि देखे वोट बैंक किसकी तरफ जाता है और वोट बैंक किसको छोड़ देने से, किसको गिरफ्तार कर देने से हमारा वोट बैंक घटता हुआ बकता रहता है। सवाल यह है कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान की जमीन के ऊपर रह रहे हैं और इस्लाम मजहब भी ये कहता है हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का। बिल्कुल अब्बास साहब, बिल्कुल अब्बास साहब, सुन रहे हैं आपकी बात को, लेकिन रचना इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक बार मुझे लगता है स्वामी अग्निवेश की बात भी हम लोगों को सुन लेनी चाहिए, उन्होंने आज दिन में हमारे, तो अभी फिलहाल हमें इशारा हो रहा है ब्रेक लेने का वीसीआर से, तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, अब ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे स्वामी अग्निवेश ने इस पूरे मसले पे क्या कहा है और स्वामी अग्निवेश से हम फोन से जुड़ने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ओहो, ये सब नहीं, अब साफ करें ऑल क्लीन वाइप से, जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन, और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन। ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास
आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ईश्वर टीवी देखने के लिए सबसे पहले आप अपने डीडी डायरेक्ट टीवी के सेटअप बॉक्स मेन्यू में जाएं, प्रोग्राम सेटअप में जाकर ओके बटन को प्रेस करें, फिर ऑटो स्कैन ऑप्शन में जाकर ओके का बटन दबाएं। फिर आपके सामने आएगा LNB 09750, आप इसको फीड कर लें। स्कैन मोड में जाकर ऑल का बटन प्रेस करें, फिर स्कैन कंप्लीट होने का इंतजार करें और जब आपका स्कैन कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद मेन्यू में जाकर एग्जिट बटन दबा दें और फिर चैनल नंबर 47 पर देखें अपना पसंदीदा चैनल ईश्वर टीवी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। देखने के लिए सबसे पहले आप अपने डीडी डायरेक्ट टीवी के सेटअप बॉक्स मेन्यू में जाएं, प्रोग्राम सेटअप में जाकर ओके बटन को प्रेस करें, फिर ऑटो स्कैन ऑप्शन में जाकर ओके का बटन दबाएं। फिर आपके सामने आएगा LNB 09750, आप इसको फीड कर लें। स्कैन मोड में जाकर ऑल का बटन प्रेस करें, फिर स्कैन कंप्लीट होने का इंतजार करें और जब आपका स्कैन कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद मेन्यू में जाकर एग्जिट बटन दबा दें और फिर चैनल नंबर 47 पर देखें अपना पसंदीदा चैनल ईश्वर टीवी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ओहो, ये सब नहीं, अब साफ करें ऑल क्लीन वाइप से, जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन, और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन। ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी स्वाभिया अग्रवेश से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बाइट भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मसरत आलम की 2010 में दी गई जो बाइट है वो बाइट हम सुनाते हैं, जो उन्होंने मीडिया के खिलाफ और जो सरकार है उसके खिलाफ दिए थे। सबसे पहले हम सुनते हैं मसरत ने 2010 में क्या कहे थे। जो हम पे मुसलत किया जा रहा है इंडियन मीडिया जो है वो पूरा इस वार गेम का एक हिस्सा है, जो वार फेयर यहाँ हो रहा है, हम पे जो तसल्लुत फौजी तसल्लुत हो रहा है उसमें बराबर के वो शरीक हैं। दुरानी साहब, अभी आपने मसरत आलम के इस बाइट को सुना जो उन्होंने 2010 में दिए थे, तभी कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, यूपीए की सरकार थी यहाँ पे, क्या कहेंगे? क्या उस समय जो एक्शन कांग्रेस को करना चाहिए था, जो आपकी पार्टी को करना चाहिए था, क्या उसमें भी कहीं चूक हुई है? देखिए, इन्होंने खुद ये शिकायत कर रहे हैं इस चीज की कि जो कुछ इनके साथ हुआ उसके अंदर मीडिया भी शरीक है। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी जिसके ऊपर ये रिएक्शन में उन्होंने ये बात नहीं, नहीं, आप, आप पूरी बाइट लगता है फिर से सुनने। इसने ये कहा कि जो सेपरिस्ट आंदोलन वो चला रहे हैं उसको खत्म करने में मीडिया की भी साजिश है, सरकार की भी साजिश है, तो आखिर मीडिया उनके सेपरेटिस्ट जो आंदोलन चला रहे हैं उनका साथ तो बिल्कुल नहीं देगी ना। शायद बाइट बाइट को सुनने में आपको कुछ गलत है। एक बार PCR से कहूंगा, एक बार फिर से जो इनकी बाइट है फिर से सुनाए हमारे दर्शकों को, ताकि बिल्कुल साफ हो सके कि क्या कह रहा है मुसर्रफ। जो हम पे मुसलत किया जा रहा है इंडियन मीडिया जो है वो पूरा इस वार गेम का एक हिस्सा है, जो वार फेयर यहाँ हो रहा है, हम पे जो तसल्लुत फौजी तसल्लुत हो रहा है उसमें बराबर के वो शरीक हैं। जो हम पे मुसलत किया जा रहा है इंडियन मीडिया जो है वो
पूरा इस वार गेम का एक हिस्सा है। जो वारफेयर यहाँ हो रहा है, हम पे जो तसल्लुत, फौजी तसल्लुत हो रहा है, उसमें बराबर के वो शरीक हैं। एक और बाइट है हमारे पास मुसर्रत की, उसको भी हम सुनाएंगे, लेकिन दुरानी साहब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि इन्होंने क्या कहा था, क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया की। स्वाभाविक है, वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर के खिलाफ एक युद्ध छेड़ रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उसमें मीडिया भी शरीक है। लेकिन ये जो कहा उन्होंने, युद्ध छेड़ रखा है, वारफेयर हमारे साथ कर रहे हैं, इसका मतलब ये कांग्रेस ने अपनी पूरी शक्ति के साथ, जो भी गवर्नमेंट थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ ऐसे अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई करी। और अभी खुद आपने भी देखा कि 2007 में हमें इनको अंदर कर दिया था। तो हम लोग तो इस मामले में एक बहुत स्पष्ट नीति रखते हैं कि जो देशद्रोह की बात करेगा, जो देश को तोड़ने की बात करेगा, उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन गिलानी के खिलाफ जो है उस टाइम में भी कार्रवाई नहीं हुई थी, अभी आप कह रहे हैं कि गिलानी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए निश्चित तौर पे, लेकिन जब आपकी सरकार थी तब गिलानी उसी तरीके से घूम रहे थे पूरे, जैसा कि अभी घूम रहे हैं। पिछले दो सरकारों के अंदर जिसमें कांग्रेस शरीक रही है, गिलानी जी का अधिकतर समय जो है वो नजरबंदी की हालत में गुजरा है। दूसरी बात ये, उसको ये भी तुलना करके देखिए आप कि उस पूरे टाइम के अंदर जो आतंकवाद रोजाना उस 2004 से पहले आए दिन जिस तरह आतंकवाद की वारदातें होती थी श्रीनगर के अंदर, जम्मू में और अलग जगहों पर, उस पर 2004 के बाद बहुत काबू पाया गया। तो ये एक नीति का हिस्सा होता है कि कुछ उसको कंट्रोल किया जाता है, किसी जगह ठंडा बोला जाता है, किसी जगह गर्म बोला जाता है, लेकिन लक्ष्य बहुत क्लियर होता है कि हमें आतंकवादियों को, अलगाववादियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। दुरानी साहब, कांग्रेस ने पूरी निष्ठी ईमानदारी के साथ उस लड़ाई को लड़ा है। बिल्कुल दुरानी साहब, जो आप कर रहे हैं, आपकी बात को हमारे एक गेस्ट दिल्ली से जो अभी जुड़ने वाले थे वो भी जुड़ गए हमारे साथ, विनोद बंसल जी, बीएचपी के प्रवक्ता है। और मेरे ख्याल से विनोद जी आप बात को सुन रहे हैं हमारी। जी सुनो बंसल जी, दुरानी साहब जो बात कह रहे थे, क्या आप उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं? देखिए बात यह है कि आज पता नहीं क्यों कुछ राजनेताओं को और कुछ मीडिया के एक सेगमेंट को इन आतंकवादियों को ज्यादा दिखाने की भी कुछ होड़ सी मची हुई है। और जो लोग लगातार इस आतंकवाद को प्रोत्साहन देते थे, या यूं कहना चाहिए कि राष्ट्रद्रोही शक्तियों को पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम रहे, ऐसे सब लोग भी आज जो है वो उठ खड़े हुए हैं। अच्छी बात है, ये निश्चित रूप से आतंकवाद पर रोक लगनी चाहिए। जो देशद्रोही है उनको देशद्रोही की तरह ट्रीटमेंट होना चाहिए, और उस देश के अंदर से ऐसे लोगों को न सिर्फ जेल के अंदर रखना चाहिए, नहीं अगर इनको ये ज्यादा पाकिस्तान से प्यार है तो इनको उसको अपने बॉर्डर पार उसको धकेल देना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। निश्चित रूप से ये जो बात अभी जो पिछले 4-5 दिन का घटनाक्रम है, या यूं कहना चाहिए कि जो नई सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है उसके बाद से लेकर के इस मसले पर कुछ ज्यादा ही अटेंशन मीडिया का भी है, और निश्चित रूप से इन आतंकवादियों के और ये जो अलगाववादियों के हौसले हैं कुछ ज्यादा बड़े हैं। सरकारों को इस बात को चिंता करनी पड़ेगी कि तुरंत इन पर प्रतिबंध लगे, और कोई भी आगे से इतने हिम्मत न कर पाए कि देश के खिलाफ कोई जहर उगल पाए। विनोद जी ये काफी, कोई भी हो, विनोद जी ये मामला काफी पुराना है, राष्ट्र दूसरी तरफ है। विनोद जी ये मामला काफी पुराना है, और मसरत ने आज जो कहा है वो कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी वो जिस कारण से जेल में बंद थे वो यही कारण था, वो भारत विरोधी बयान देते रहे। आपको क्या लगता है सरकार ने जो खिलाफ उनके खिलाफ कदम उठाया है, या उन्हें गिरफ्तार करने में जो गिरफ्तार करके फिर से दोबारा जो जेल भेजने की कोशिश की जा रही है, जेल भेजा जा चुका है, आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार की कार्रवाई बिल्कुल संदेह से परे है, बिल्कुल तत्परता से किया है, या आपको लग रहा है कि कुछ देर हुई है, कुछ चूक हुई है उनको डिसीजन लेने में? देखिए डिसीजन में तो देरी हुई है निश्चित रूप से, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को पहले तो छोड़ना नहीं देना चाहिए था किसी भी हालत में। ये जेल से क्यों रिहा हुआ, उसका पीछे बहुत बड़ा कारण ये था कि पिछले 5 वर्ष में कोई भी सरकार इसकी पैरवी नहीं कर पाई ढंग से, इसके कारण वो उसको जेल से वो छूट गया आसानी से। जब छूट गया तो उसके बाद में ऐसी रैली करने की क्या सरकार को जानकारी नहीं थी? जानकारी थी तो परमिशन कैसे दी गई, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तीसरी बात यह कि ऐसे व्यक्ति के इस तरह के जो भड़काऊ नारेबाजी हुई, उस व्यक्ति को एक तो नारेबाजी करने नहीं देनी चाहिए, और की तो मीडिया को उस तरह से दिखाना नहीं चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को मौत की सजा होनी चाहिए,
और तुरंत इसके खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं हुई तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा तबका जो है वो भटकेगा। और बिल्कुल कश्मीर के खिलाफ जिस तरह के ये लोग आग उबल रहे हैं मेरे देश के अंदर रह करके और मेरे देश को गाली देते हैं, इनसे बड़ा दुष्ट कोई इस धरती पर नहीं हो सकता। क्या बीएचपी लोगों के दो ही निदान है विनोद जी, आप जेल के अंदर विनोद जी, आपकी पार्टी जो है, आपका जो संगठन है वो लगातार इस तरह के मामले का बड़ा मुखर विरोध करती रही है और कश्मीर में और जम्मू में भी आप लोग काफी प्रदर्शन और धरना करते रहे, क्या आपको आपकी पार्टी की तरफ से कोई प्लानिंग इस तरीके की जा रही है कि आप लोग जम्मू कश्मीर में जाकर के इस तरह की घटना का विरोध करेंगे या दिल्ली में या देश के स्तर पर आप लोग कुछ इस प्रोग्राम के खिलाफ या इस जो गिरफ्तारी हुई है पूरा जो ये मामला है इसके खिलाफ कुछ योजना बना रही है आपकी पार्टी? नहीं मुकेश जी, हमारी कोई पार्टी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट करूं, विश्व हिंदू परिषद एक धार्मिक और सामाजिक संगठन है जो राष्ट्र के ऊपर कहीं भी किसी तरह का कोई आघात आता है, राष्ट्रद्रोही शक्तियां अगर खड़ी होती हैं तो उसको कुचलने का काम हम समस्त हिंदू समाज मिलकर के करता है। अब प्रश्न यह है कि वहां विरोध किया कि नहीं किया, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न यह है ऐसे विषधारियों का फन कुचलने के लिए जो कार्रवाई करी जानी चाहिए वो कम है और इन ऐसे विषधारियों का तुरंत निदान होना आवश्यक है, तुरंत सूली पर लटकाना चाहिए ऐसे लोगों को। बिल्कुल। और जो लोग पाकिस्तान का गुणगान करते हैं उनके देरी नहीं करनी चाहिए, एलओसी अभी खुली हुई है, उस एलओसी से पीछे से धक्का मारो और उसके बाद बॉर्डर के पार कर दो, इनको औकात पता लग जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है इन लोगों के साथ में। जी बिल्कुल, सरकारें जितनी ज्यादा आप देखिए कश्मीर घाटी के अंदर पूरे भारत के लोगों का पैसा लगा है और लगातार जितनी सब्सिडी इनको दी जा रही है, क्या इसीलिए दी जा रही है कि तुम भारत के विरोध में जो नारे लगाओगे और क्या इसीलिए वो अलगाववाद फैलाने के लिए यहाँ पर इतना पैसा आपके ऊपर बहाया जा रहा है? ऐसे लोगों को इस भारत की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल विनोद साहब, अभी आप बता रहे दुरानी साहब आपसे जो है पाकिस्तान चाहिए। विनोद साहब जिस तरीके से कह रहे थे कि पिछली सरकारों में पैरवी उस तरीके से गंभीर तरीके से नहीं हुई जिसके कारण से मुशर्रत जेल से बाहर निकल पाया, क्या आपको लगता है जो सरकार की तरफ से? विनोद जी ने कहा यह पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, ये तो एक सामाजिक संगठन है जो हिंदुओं को भड़काता है। बात बुनियादी ये है कि जो निकम्मी सरकार बैठी है श्रीनगर के अंदर और ये निकम्म सरकार का निकम्मापन है, पिछली सरकार ने सख्ती के साथ ये आज जो स्थिति शांत हुई है ये पिछले 50-60 साल के प्रयासों का नतीजा है। ऐसा इंटरनेशनल लेवल पर नहीं होता कि उठा के किसी को बाहर फेंक दो, बॉर्डर के बाहर फेंक दो, हम एक इंटरनेशनल लॉ के तहत दौड़ करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको जो मन चीज़ आए कर दो, देश में नियम है, देश में कानून है और उसके अंतर्गत कश्मीर का कोई नेता ऐसा ना बचाओगा हरियत का या किसी और अलगाववादी पार्टी का जो जेल के अंदर महीनों और सालों ना रहा हो। तो वो हमको, हमारी भावना ये है कि उनको समझाकर जो गलत राह पर चले गए उसको समझाकर लाया जाए, जो नहीं समझता उसको अंदर रखा जाए। सवाल यह है कि ये जो 56 इंच की छाती वाले थे, 56 इंच की छाती वाले जो कह रहे थे कि हम देश के सबसे बड़े रक्षक हैं, इन्होंने आते ही उनको छोड़ दिया, इनको इतिहास पता नहीं था। मुसर्रत आलम को लात मार, मुसर्रत आलम एक रात के अंदर प्रकट हो गया, कहीं से पहले से वहां मौजूद था, वहां की जेलों में, चूंकि वो जेल में बंद था तो कार्रवाई कोर्ट के हिसाब से हो रही थी और कोर्ट में सरकार पैरवी करती है, कोई व्यक्ति जाकर के पैरवी नहीं करता और सरकार चूंकि आपकी थी तो पैरवी आपकी तरफ से होनी चाहिए थी, आप कांग्रेस सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी। अगर पैरवी होता नहीं तो पहले आ चुके होते, कोई नए तत्व नहीं आए, वो पुराने तत्वों के आधार पर ही कैद थे, कोई नई चीज अभी नहीं हुई है, नई डेवलपमेंट नहीं हुई है कुछ नहीं। सरकार को डिफेंड करना चाहिए था कि उसे नहीं, लेकिन अगर आप कोर्ट पे पैरवी नहीं करेंगे, अगर सरकार ये तो अगेंस्ट खड़ी नहीं होगी, अगर ये जवाब देना कि इन्होंने क्या पैरवी करी, जो पिछली सरकार थी उसकी पैरवी की वजह से तो वो बाहर आ ही नहीं सके, सालों लग गए उनको बाहर नहीं आ सके। ये इस सरकार का नहीं, दुरानी साहब सरकार आए अभी एक दिन, सब कुछ खत्म, सरकार के शपथ लिए अभी एक दिन ही हुआ था, एक दिन में सरकार कुछ वैसा नहीं करती है। ये क्या जल्दी आ रही सरकार का था जो पिछली सरकार में पैरवी नहीं हो पाई थी? ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि एक दिन सरकार लेने के बाद ही अगले दिन छोड़ दिया? ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई थी? नहीं, ये तो कोर्ट का मामला था ना, ये कोई सरकार जबरदस्ती किसी को कोर्ट के खिलाफ जाकर के रोक नहीं सकती। ये ऐसे आतंक किसी भी कहीं भी हो, ऐसे आतंकवादियों को इस तरह नहीं छोड़ा जाता। नहीं दुरानी साहब, ये तो आप कोर्ट मिनिस्ट्री डायरेक्शन देती है, डिले भी कर देती है, बाद दफा बेल हो जाती है और बंदा बाहर नहीं आता, चार चार दिन जेल में रहता है। ये तो बेसिकली बात एडमिनिस्ट्रेशन की है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का है।
और कोई नई बात नहीं है, तो वो गवर्नमेंट है ना जिसके जिसके विदेश मंत्री कंधार लेके चले गए आतंकवादियों को, सरकार से हम क्या भरोसा कर सकते हैं कश्मीर। बिल्कुल बिल्कुल दुर्रानी साहब, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं स्वामी अग्निवेश, सामाजिक कार्यकर्ता है। स्वामी जी स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। स्वामी जी बताएं, जिस तरीके की इस पूरी घटनाक्रम पे आप जो है नजर रखे हुए, पिछले तीन दिनों से लगातार ये घटना मीडिया में छाया हुआ है, क्या लगता है आपको जिस तरीके की कार्रवाई सरकार के तरफ से की गई है, संतुष्ट दिखते हैं आप? देखिए कि मैं जितना तूल दिया जा रहा है ना इस बात